हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त बिलाल चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक्नो गिफ्ट। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से डीएलएड के बारे में। जब जब आप मुझे देखते होंगे सोचते होंगे कि यार आज कोई नई इन्फॉर्मेशन लेके आ गया है, तो मैं नई इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए और आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहती है, इसलिए मैं आपके सामने आता हूँ हर बार। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज का नया अपडेट। तो आज के इस नए अपडेट में बात है असाइनमेंट के फ्रंट पेज के बारे में, जी हाँ, और असाइनमेंट को कितने पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है उसके बारे में। तो बात करते हैं कि कितने फ्रंट पेज बनेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि असाइनमेंट कितने हैं। आपको पता है 501, 502, 503 के असाइनमेंट बनाने हैं, ठीक है। जब आपको असाइनमेंट बनाने हैं तो तीन असाइनमेंट हो गए। अब अगर आपसे कोई कहे कि इसको तीन सेपरेट फाइल में ना कर करके हर असाइनमेंट को आपको अलग एक फाइल में रखना है और उस फाइल में आपको फ्रंट पेज जो है तीन लगाने हैं, है ना। यही हो रहा है हमारे इधर, हमारे साथ भी यही हो रहा है। एक्चुअली मेरे पास ये फ्रंट पेजेस रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे पूरी गड्डी है, एक 27 पेज हैं ये। अब 27 पेज क्यों मैंने फ्रंट पेज बनाए होंगे आप सोच सकते हैं कि अपने तीन असाइनमेंट हैं, तीन असाइनमेंट के तीन तीन पार्ट हैं, है ना। तो अगर एक असाइनमेंट को तीन में डिवाइड करें तो तीन के नौ असाइनमेंट हो गए, और नौ असाइनमेंट के तीन तीन पेजों को इंटू करते हैं तो नौ तिया 27। सिंपल सा है यार, 27 पेजेस जो हैं अब आपको बनाने हैं। और कुछ इस टाइप से आपको हर असाइनमेंट को अपने एक सेपरेट फाइल में रखना है। ये देखिए, ये कुछ अभी मेरे पास 6-7 फाइल्स हैं जो मैंने अभी रख रखी हैं, बाकी दो असाइनमेंट और हैं मेरे। मैं टोटल मिला के 9 असाइनमेंट 9 अलग अलग एनवलप में रखे हैं, और हर फाइल पे एक तीन पेज हैं, फ्रंट पेज 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक्चुअली इसमें फ़ायदा आप लोगों को ही है, आप लोगों को और हम लोगों को फ़ायदा क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ। जब आप असाइनमेंट जमा करेंगे तो इसमें से एक रिसीविंग आपको मिल जाएगी, एक स्टडी सेंटर पर रुक जाएगी और एक आपके फाइल के साथ आपके NIUS ऑफिस चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट है आपको कि हाँ, आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि आपने अपना असाइनमेंट बनाकर सबमिट कर दिया था। तो अगर आपने अभी तक फ्रंट पेज एक ही बनाया है तो अब आपको हर फाइल के लिए तीन फ्रंट पेज बना लें और अलग अलग एनवलप में उसको रख लें, ठीक है। तो आज के इसी वीडियो में यही अपडेट था। और मैं, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैं अपने चैनल का नाम चेंज करने वाला हूँ, बट मैंने बहुत सोचा तो मुझे लगा कि ये चैनल का जो नाम है टेक्नो गिफ्ट बहुत अच्छा है और यूनिक भी है और यूट्यूब पर नया भी है। बाकी बहुत सारे मैंने कोशिश करी बनाने की और आप लोगों ने भी मुझे बहुत सारे कमेंट किए, लेकिन हम अपने चैनल का नाम चेंज नहीं करेंगे, तो इसी को रहने देंगे टेक्नो गिफ्ट। और आप इसी को आगे बढ़ाएं, इसी को अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएं, टेक्नो गिफ्ट फैमिली को बहुत शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चल जाए कि अब आपको एक फ्रंट पेज की जगह तीन तीन फ्रंट पेज लगाने होंगे और हर फाइल को अपना अलग एनवलप में सेपरेट करना होगा। तो ये था आज की इस नई वीडियो में एक नया टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल वाले आइकन को प्रेस करना है। मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।